हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल और आप देख रहे हैं भारत अपडेट्स चैनल। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी मैं अपनी न्यू वीडियो डालूँ वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। क्लर्क का जो सिलेबस था हाई कोर्ट ऑफ HP का, वो आपको मैंने बता दिया था। और ये जो बताने जा रहा हूँ ये है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का सिलेबस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें रिटन टेस्ट होगा दो पार्ट्स में, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए स्क्रीनिंग टेस्ट में जो होगा आपके 100 नंबर का आपका पेपर होगा और 100 ही इसमें क्वेश्चन होंगे और 2 घंटे इसका समय हो रहेगा, जिसमें इंटरनेशनल जनरल नॉलेज 15 नंबर का आएगा, नेशनल 15 नंबर का आएगा, हिमाचल प्रदेश का जनरल नॉलेज है 20 नंबर का आएगा, ये 50 नंबर हो गए। और इसके बाद बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स का आएगा 30 नंबर का और रीजनिंग आएगी 20 नंबर की। तो ये टोटल हो गए 100 नंबर। तो ये पार्ट ए जो होगा 100 मार्क्स का आएगा, 100 मार्क्स का आएगा। और पार्ट बी की बात करें तो वो है कंप्यूटर्स इंग्लिश एंड हिंदी। इसमें आपको ऐसे लिखना पड़ेगा इंग्लिश में 300 वर्ड का, तो उसके आपको 15 मार्क्स में से मिलेंगे। और ऐसे इन हिंदी, वो भी 300 वर्ड्स का होना चाहिए, 15 मार्क्स। ट्रांसलेशन करनी पड़ेगी इंग्लिश टू हिंदी, 10 मार्क्स। और ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, उसके भी 10 मार्क्स। और कंप्यूटर्स के 30 मार्क्स। तो ये जो होगा ये होगा टोटल 80 मार्क्स का और 2 घंटे इसके लिए टाइम दिया जाएगा। इसके बाद टाइपिंग टेस्ट होगा, और टाइपिंग टेस्ट के बाद अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो टाइपिंग टेस्ट, तो उसके बाद होगा आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू में भी आपके 10 मार्क्स होंगे, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस के 4 मार्क्स और एक्सपीरियंस के 3 मार्क्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के 3 मार्क्स, टोटल 10 मार्क्स हो गए। और उसके बाद अगर आपका मेरिट में, रिटर्न की मेरिट में आपका नंबर बढ़ता है, तो उसके बाद आपके जो है एंड में ये नंबर जुड़ते हैं। अगर आपने डिप्लोमा किया है या बैचलर डिग्री है, पीजी डिप्लोमा कंप्यूटर्स है, मास्टर डिग्री, उसके आपके जो है मार्क्स जुड़ जाएंगे। तो ये था सिलेबस जूनियर ऑफिस असिस्टेंट हाई कोर्ट में जो वैकेंसी निकली है उसके लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे इसी तरह के और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।